भाई सबको नमस्कार, राम राम। और मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आपसे ज़्यादा मेरे को वेट था बनाने का, ग्राम सचिव के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपको पता है 25, 26 और 27 दिसंबर की। तो ये तीन डेट हैं जहाँ पर आपके पेपर होंगे, दो तीन शिफ्टों में होंगे दिन में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी तैयारी आप कैसे करोगे। अब मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात तो करूँगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि अपना जो मुद्दा है वो है मैथ तक का। हाँ, पूरे जो एग्ज़ाम को कैसे करेक्ट करना है उसकी वीडियो भी आपको आने वाले एक या दो दिन में मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल पहले बात करेंगे अपने नेटिव सब्जेक्ट, मतलब कि जो मेरा नेटिव है, मतलब मैथ की बात करेंगे, अपना मेन सब्जेक्ट की, मैथ की तैयारी कैसे करें। आप देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। भाई देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने वाला बच्चा ही इस स्ट्रेटजी, इस पूरी प्रिपरेशन को समझ पाएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा। दो तरीके से तैयारी होती है। उस तैयारी करने के अंदर दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं कि तैयारी करनी कितनी है, कि तैयारी करनी कितनी है और तैयारी करनी कब है। तो याद रखना यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि ये क्वेश्चन कि तैयारी करनी कब है, ये तो दिमाग में से निकल गया होगा आपका। क्यों? क्योंकि तैयारी करने का टाइम आप सबको पता है, आज जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं इस वीडियो को 13 नवंबर को अपलोड कर रहा हूँ, 13 नवंबर को ये वीडियो आ रही है। आप इस वीडियो को जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन से अपने दिन कैलकुलेट कर लो। मैं 13 दिन के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। सारी बात समझना ध्यान से, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में चाहे 7 क्वेश्चन आओ, चाहे 10 क्वेश्चन आओ, चाहे 12 क्वेश्चन आओ, चाहे 15 क्वेश्चन आओ, लेकिन अराउंड आपके 10 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक कम एक ज्यादा ऐसे ही होगा, 10 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं चाहता हूं आपके 10 में से 10 नंबर आए। वो कैसे आएंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप मेरे को बताओ भाई, मैं मानता हूं कि आज है 13 नवंबर, भाई 13 नवंबर है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। वैसे जो बच्चा 13 नवंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा उसी के वही बच्चा इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएगा। जैसे आज है 13 नवंबर भाई, आज है 13 नवंबर, तो 13 नवंबर के हिसाब से मेरे को एक बात बताओ भाई, 13 नवंबर के हिसाब से पेपर है 25 का। हम मानते हैं कि 25 दिसंबर को आपका पेपर होगा, हम ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को आपका पेपर होगा। मेरे को बताओ भाई, नवंबर के कितने दिन बाकी हैं? नवंबर के 17 दिन बाकी, नवंबर के 17 दिन बाकी हैं, और दिसंबर के कितने दिन हैं? 25 दिन। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे भाई हमारे पास दिन कितने हैं। 7 और 5 12 का 2 का असल बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो हमारे पास टोटल है 42 दिन भाई। कितने दिन हैं? 42 दिन है साहब, कितने दिन हैं? 42 दिन है हमारे पास। आप 42 नहीं छोड़ो, आप एक राउंड फिगर ले लो कि हमारे पास 40 दिन है, हमारे पास 40 दिन है, हमारे पास 40 दिन है। अब आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन में, और 40 दिन में मैं गणित नहीं करता, 40 दिन में मैं गणित नहीं करता, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपके, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपके, ये मेरी गारंटी है। लाइव क्लास चलेगी, क्लास के टाइमिंग देख लो सारे बच्चे, क्लास के टाइमिंग देख लो, 8 बजे से लेके प्रभु कृपया। अब ये प्रैक्टिस सेट कोई आम प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना भाई, इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिस सेट आम प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना कि विदाई का समय तारों की छाँव में, तो तारों की छाँव तो रहेगी रहेगी, लेकिन प्रभु कृपा तक भी चलेगी, ठीक है ना। तो याद रखना 30 प्रैक्टिस सेट। अब 30 प्रैक्टिस सेट 40 दिन के अंदर करेंगे। सर आप 40 दिन के अंदर 40 क्यों नहीं कर रहे, 40 दिन के अंदर 40 क्यों नहीं कर रहे? मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पर 10 दिन ये मान लो भाई मैं बीमार हो गया, या किसी दिन आप बीमार हो गए, हो सकता है ना किसी दिन मैं, या मेरे को कहीं पर जाना पड़ेगा इमरजेंसी की, मैं काट लो, तो 30 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट तक तो आपके कन्फर्म कंप्लीट होंगे भाई। एक प्रैक्टिस सेट से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट तो आपके कन्फर्म कंप्लीट कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। आपको सिर्फ शाम को 8 बजे लाइव आना है, और प्रभु कृपया या फिर प्रभु इच्छा लिख लो आप इसको, और अच्छी तरीके से आप इसको कोरिलेट कर पाओगे प्रभु इच्छा तक, कि जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक हम पढ़ते रहेंगे। बात समझ भाई। अब मैंने कहा कि आपके पेपर में अराउंड मान लिया कि अभी 10 क्वेश्चन आओगे, अराउंड 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आओगे। अब इस बात को समझो भी सारे बच्चे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आओगे ये मान लो, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, कम से कम मैं नहीं कह रहा। मेरे को एक बात बताओ, अभी 10 क्वेश्चन अगर आओगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन लेने चाहिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट के अंदर? आपको सर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको कम से कम 10 तो लेने चाहिए? नहीं, हम एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन लेंगे भाई, या फिर 15+, 15 से कम नहीं होंगे क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना भाई, 15 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। एक बार एस्टिमेट लगाओ, 15 क्वेश्चन लगाओ भाई, 15 गुणा में 30 प्रैक्टिस सेट कितने होंगे?
450 क्वेश्चन, मेरे को बताओ 450 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अगर 450 क्वेश्चन आप अच्छे से करते हो, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करते हो, दो तीन बार उनको रिवाइज करते हो, तो दो तीन क्वेश्चन तो आपको यहीं से फंस जाएंगे, चार पांच भी फंस सकते हैं मेरे को बताओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है ना। हो सकता है पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आए, और वैसे भी प्रैक्टिस सेट ये कोई आम प्रैक्टिस सेट नहीं है भाई, इन प्रैक्टिस सेट में, इन सारे प्रैक्टिस सेटों में हम क्या करेंगे, इन सारे प्रैक्टिस सेटों में क्या करेंगे हम, NCERT प्लस अर्थमेटिक प्लस और क्या करेंगे एडवांस, ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, अर्थमेटिक एनसीईआरटी और एडवांस, तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी की शिफ्ट में पूरा अर्थमेटिक आ जाए, हो सकता है आपने पीछे भी देखा है कलर का पेपर होया और भी पेपर होए, आपने देखा कि किसी किसी बच्चे की पूरी शिफ्ट में अर्थमेटिक आ गया, या फिर किसी बच्चे की पूरी शिफ्ट में एनसीईआरटी आ गई, किसी के में एडवांस मैथ के मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो आप ये सारी चीज़ देख पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिक्स आपको इन प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी भाई। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये भी आपको समझने की जरूरत है, बात समझ रहे हैं आप, कैसे ये कोई कंसेप्ट थोड़ी है, कोई क्लास, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है जिसको आप कंसेप्ट कह रहे हो, कंसेप्ट है, समझना जरूरी है भाई, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डेली क्लास अटेंड करनी है। हाँ एक बात और भाई, आपको PDF भी दे दूंगा मैं, आपको PDF भी दे दूंगा, आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर क्वेश्चन नोट करें कैसे करें क्या करें, PDF दे दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा PDF के भरोसे रहेगा, जो बच्चा PDF के भरोसे रहेगा वो कभी पास नहीं हो सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी PDF से तैयारी नहीं करी। PDF में क्यों देता हूँ, आप सबके डिमांड के ऊपर PDF देता हूँ। जो बच्चा प्रैक्टिस करते करते साथ में उनको नोट करता रहेगा ना, जो बच्चा साथ में उनको नोट करेगा, जिसकी नोटिंग स्पीड अच्छी है और साथ साथ में नोट भी कर रहा है, उस क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन प्लस उसका सोल्यूशन, उसके ऑप्शन, हर एक जो बच्चा नोट करेगा वो बच्चा सिलेक्शन के करीब जाएगा, ना कि वो बच्चा जो PDF की बाट देखेगा। मैं अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी करूंगा, आपको PDF जरूर दूंगा भाई, क्योंकि थारैया कुरमुरी रहे हैं कि सर PDF दो सर PDF का है, PDF आपको मिलेगी। जैसे कि आपने देखा दिल्ली पुलिस के हमने 21 प्रैक्टिस सेट करे, उन 21 प्रैक्टिस सेट में शुरू के 7-8 कि तो मैं दे नहीं पाया, उसके बाद जितने प्रैक्टिस सेट करे सबकी PDF मैंने आपको दी, उसी प्रकार यहां पर भी आपको 30 के 30 जो प्रैक्टिस सेट होंगे सभी की आपको PDF मिलेगी। ये प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में जाओगे तो आपको पेड में मिलते हैं, पेड में आपको पे करने पड़ेंगे तब जाके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और गारंटी है मेरी, जो बच्चे मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं या जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते आए हैं उन सबको इस बात का पता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, गारंटी है जो लेवल आपको यहां मिलेगा ना, जो लेवल आपको यहां मिलेगा अगर किसी प्रैक्टिस सेट में मिल जावे तो मेरे तक कह दियो भाई, जो लेवल क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर मिलेगा अगर किसी प्रैक्टिस सेट में मिल जावे तो मेरे को कह दियो। तो याद रखिए भाई, पहली बात हमारी छोटी सी जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था कि हम कैसे किस प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे, तो याद थी हमारी पहली बात कि भाई किस प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात अब यह बात उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक थोड़े वीक हैं भाई, यह बात देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ये आप सबके लिए, मेरा स्टार्टिंग से ही आप सबके साथ यही कमिटमेंट रही है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे पास जो ये कह रहे थे कि सर हम आपके साथ रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया भाई, क्योंकि मैं खुद अरेंज नहीं कर सकता आप सबके लिए, रहने के लिए जगह भी और फिर पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था ऑफलाइन। तो यहां पर मैं उन बच्चों के लिए जो मेरे कंसेप्ट जो खुद जो मैंने सीखे हैं अपनी लाइफ में, अगर वो सारे कंसेप्ट आप टॉपिक वाइज सीखना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप की वीडियो मैंने डाल दी है, वो भी ध्यान से देख लेना। मेंबरशिप की वीडियो में मैंने आपको, इससे पहले एक वीडियो आई होगी वहां पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप मेंबरशिप ले सकते हैं, कैसे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे ज्वाइन करना है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, वहां पर आपको तीन प्लान मिलेंगे, एक तो बेसिक का, एक इंटरमीडिएट का और एक एडवांस का। यहां पर क्या है, जैसे जो सब्सक्राइब का जो बटन होता है जिसको आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, उसके साथ में आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, ब्लू कलर का ज्वाइन का बटन, जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। आपको ये नहीं लेना, आपको लेना एडवांस वाला। इसके अंदर मिलेंगे क्या, आने वाले 40 दिन के अंदर जो प्रैक्टिस सेट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सबको मिल रहे हैं, उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो अलग सिस्टम है। लेकिन आने वाले 40 दिन के अंदर आपको ग्राम सचिव के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं उनकी वीडियोज आपको ग्राम सचिव के ऊपर मिलेगी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दिमाग में होगी कि सर फीस कितनी है, मिनिमम फीस है 159 रुपीज़ पर मंथ है। आप इसको कार्ड से भी पे कर सकते हैं या फिर गूगल पे या फिर
गूगल पे से या फिर आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड से करेंगे, मान लो वीज़ा कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है, आप इनसे पे करने की कोशिश करना ठीक रहेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था कि कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और मेरा क्या प्लान है आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर, जहां पर मैं आपकी अच्छे तरीके से तैयारी करूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले रहा, कि सर कहाँ है, टेलीग्राम के ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, सर कहाँ है, सर कहाँ है, क्लास क्यों नहीं ले रहे, बताते भी नहीं। तो बताने का तो इतना सा सिस्टम है भाई कि आपकी इन्हीं चीज़ों की तैयारी चल रही थी, दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि किस प्रकार ये चीज़ें कवर होंगी, हमारे पास कितने हैं एक्चुअल में दिन और कैसे तैयारी करनी है। तो अब हर एक बात ना भूल जाओ भाई, हर एक बात ना छोड़ दो, सिर्फ दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए, अपना सिर्फ एक गोल होना चाहिए लाइफ का, क्या, कि ग्राम सचिव का पेपर कैसे भी करके मैंने करेक्ट करना है और मैथ में नंबर नहीं कटने देना, या मेरी गारंटी, मैं अपनी तरफ से पूरा अंगा लगाऊंगा, आपने अपनी तरफ से पूरा अंगा लगाना है। जो डेली कंटेंट आपको इस पेड कोर्स के अंदर मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट जो मिलेगा, डेली के डेली उसको कवर करना है, साथ साथ में चलते रहना है। डेली की डेली जो प्रैक्टिस सेट रात को होंगे, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ साथ में कवर करते चलने हैं। तो देखना आप इन 30 दिन के अंदर भी, आप इन 30-40 दिन के अंदर भी एक इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और हरियाणा की तैयारी कर रहा है, तो एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई रिश्तेदारी में, कोई पड़ोस में, कोई यार प्यारा में कोई बालक हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में एक शेयर का बटन भी है, उसने भी दबा दियो, शेयर कर दियो सबके पास, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यूट्यूब के अंदर के ऊपर फ्री में इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो आपको मार्केट में पेड में मिलते हैं। तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।